नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कई महत्वपूर्ण बातें बोल गए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इस कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि आम आदमी बस इतनी सी बात समझता है कि वैक्सीन आ जाएगी, उसी दिन हमें मुक्ति मिल जाएगी, हर कोई वैक्सीन लगवा लेगा, उसके बाद जैसे दुनिया चलती है वैसे चल निकलेगी। तो उन्होंने तीन वैक्सीन का जिक्र किया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तीन वैक्सीन जो है ट्रायल लेवल पे है और हम तैयारी कर चुके हैं कि जैसे ही वैज्ञानिकों का उसमें इशारा मिलेगा हम उसका मास स्केल पे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। वो तीन वैक्सीन कौन सी है, किस स्टेज पे है, किस भरोसे से प्रधानमंत्री बोल रहे थे? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो प्रमुख हैं डॉक्टर शेखर सी मांडी, उनके मुताबिक वो तीन वैक्सीन है। उसमें पहली वैक्सीन है जायडस कैडिला की है, जो कंपनी की ने तैयार किया, उसका नाम है जायोकोवी डी। इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है दूसरी स्टेज पे है। पहली स्टेज का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो सक्सेस रहा है, और ये भी बताऊंगा कि इन तीनों स्टेज में क्या होता है। दूसरी जो दवाई है, वैक्सीन है, वो है बायोटेक, जो तैयार कर रही है भारत बायोटेक, वो कर रही है। उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, और इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल 12 इंस्टीट्यूट में चल रहे थे, 11 में ख़त्म हो चुका है पहले राउंड का, एम्स में अभी चल रहा है। जैसे ही पहले राउंड का पहले स्टेज का ये ट्रायल ख़त्म होगा, इसके बाद जो है दूसरे स्टेज का इसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा, और इसको भारत बायोटेक के अलावा ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जिसको बोलते हैं, वो तीनों मिल करके ये तैयार कर रहे हैं। और तीसरी वैक्सीन जो है वो है ऑक्सफोर्ड जो तैयार कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसका जो ट्रायल है वो तीसरे लेवल का है, और उसमें जो है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, यहाँ भारत की कंपनी है, एक गवी है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में मिल करके ये वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। तो दो लेवल का जो उसका ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल, वो सक्सेस रहा। तीसरे लेवल का जो ट्रायल होता है, पहले तीनों लेवल समझ लेते हैं, स्टेज, तीसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज में छोटा सैंपल साइज होता है क्योंकि उसमें रिस्क होता है, पता नहीं इसके साइड रिएक्शन क्या है। छोटे साइज पे जब सक्सेस, उसके पहले जानवरों पे किया जाता है, तो छोटे सैंपल साइज पे जब सक्सेस हो जाता है तो दूसरे वाला सैंपल साइज को थोड़ा बड़ा किया जाता है, और जो तीसरे स्टेज का होता है उसको सैंपल साइज बहुत बड़ा किया जाता है, और उसमें जो है क्लाइमेट वगैरह और देश वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग देशों में, जैसे एशिया की भी कंट्री हो, अफ्रीका की भी कंट्री हो, और यूरोपियन कंट्री भी हो, तो इस तरीके से किया जाता है ताकि क्लाइमेट के अनुसार कहीं उसका प्रभाव कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो जो ऑक्सफोर्ड वाला है कोविशील्ड, वो जो है तीसरे स्टेज में अलग अलग देशों में उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और अपने यहाँ का एक जो वैक्सीन है, जैसा कि मैंने आपके से जिक्र किया कि वो दूसरे लेवल का उसका ट्रायल चल रहा है, मतलब मीडियम वो उसका ग्रुप सैंपल साइज है, और तीसरे लेवल का जो है वो जो है मास स्केल का होगा। तो इसमें अगर कितना टाइम लग सकता है, मान के चलिए कि अभी कम से कम 2 से 2.5 महीने का भी ये प्रोसेस, 3 महीने का भी ये प्रोसेस है, इसके बाद जो है वो प्रोडक्शन के लेवल पे आएगा। तो उसी को लेकर के प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि हमारी तीन वैक्सीन चल रही है। ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ी जल्दी हो सकती है, लेकिन वो भी इस साल के लास्ट से पहले इसमें से कोई नहीं आने जा रही है। रसिया ने जो अपने स्पुतनिक वी बताया है कि हमने बना लिया है, उसको लेकर के दुनिया अभी पूरी तरीके से सहमत नहीं, उसे शक के नज़र से देख रही है कि इसका जो है दूसरे और तीसरे ह्यूमन ट्रायल का जो है रिजल्ट नहीं आया है। ये है वो तीनों वैक्सीन। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।